पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले मान गए 24 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तारिक नबील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने 1 मार्च तक हमारे मसाइल हल ना किए तो हड़ताल की नई तारीख का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से मुलाकात। मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। आपने सियासी तौर पर मुहाज खूब गर्म किया। चौधरी शुजात का मौलाना से मुकाबला, इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, मौलाना ने अपोजिशन के फैसलों बारे चौधरी बरादरान को एतमाद में लिया। हुकूमत को चलता करने की ओपोजिशन इकट्ठी। पीपल्स पार्टी और पीडीएम में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इतफाक। तहरीक अदम एतमाद अचानक लाई जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बारी बात में आएगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ का नाम बतौर वजीर आजम पेश कर दिया। नवाज शरीफ का भी शहबाज शरीफ के नाम पर इतफाक। शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर अपोजिशन कायदीन के इकट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ में घंटों मुशावरत हुई।